नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2018 की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की सीरीज़ चल रही थी, और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 61 प्रश्न देख लिए थे। आज हम लोग दो प्रश्न देखेंगे, 62, 62 और 63। ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों यह जो प्रश्न है, प्रश्न आपका जीएस फर्स्ट पेपर का है और 250 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। ध्यान रखिएगा, 250 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। और दोस्तों अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूं, तो आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर रेट रिव्यू और अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न को आप लोगों को पैराग्राफ्स में लिखना है। ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ्स में आप लोगों को इसको लिखना है। और जो दो दो पैराग्राफ होते हैं उनमें जुड़ाव होना चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखना है। कोई हेडिंग नहीं डालनी, आप कोई डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं अगर आपको कम समय मिलता है तो, ठीक है। और जो प्रश्न है, जो चीज़ पूछी गई है उसी का उत्तर आप लोगों को देना है, बहुत ही अच्छी तरीके से देना है, इतना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करें, और लाइक के बाद आप लोग शेयर जरूर किया करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जीएस का फर्स्ट पेपर का यह प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए। क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वह सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों घटित थी, ठीक है। जो औद्योगिक क्रांति थी वह सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों घटित थी, कारण आपको बताना है। सबसे पहला पार्ट का आंसर उत्तर आप लोगों को यही देना है। दूसरा क्या है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ पर इंग्लैंड में, तो वहाँ उसी दौरान वहाँ के लोगों के जीवन की गुणवत्ता जो थी या गुणता थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर आप लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। दो पार्ट में लिखना है। सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो किन कारणों से हुआ था। देखिए 18वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था उसमें क्या हुआ था कि इंग्लैंड में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे, ठीक है। उन परिवर्तनों ने क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन को भी आधार बना दिया, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि जो घरेलू उत्पादन था, जो घरेलू उद्योग थे, उनका स्थान जो लिया वो कारखानों में उत्पादन होने लगा। जैसे जो पहले घरों में जो कार्य होते थे वह बड़ी बड़ी मशीनों या बड़े बड़े कारखानों के माध्यम से होने लगा, और यह स्थान घरेलू उत्पादन से सीधे सीधे परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, कारखानों के उत्पादन में होने लगा, ठीक है। अब इंग्लैंड में ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जो एक क्रांति शुरू हुई औद्योगिक क्रांति, तो इसके शुरू होने के मुख्यतः कारण क्या हैं इनको आपको देखना है। पहले पार्ट में इसी चीज़ को आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए 1688 में क्या हुआ था कि इंग्लैंड में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग में थे कौन लोग, वही लोग थे जो उद्योगपति थे, ठीक है, और व्यापारी थे। और इन्होंने क्या किया, जो औद्योगिक क्रांति थी तो इसको सफल बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है। अब इंग्लैंड में ही होने का रीज़न यह था, बहुत सारी जो उनकी परिस्थितियां थी, जो उनकी राजनैतिक समीकरण था, तो वो चीज़ें इंग्लैंड के पक्ष में रहीं। जैसे हुआ क्या कि औपनिवेशिक क्षेत्र थे जिनके, कि जैसे जो कॉलोनी थी इंग्लैंड की, भारत था, अमेरिका था, और भी बहुत सारे देश थे, तो इन इन क्षेत्रों से इन्होंने जो शोषण था, पैसे का शोषण किया, लोगों का शोषण किया, और पैसे को धन दोहन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया। और यहाँ से ले जाने के बाद, भारत से, अमेरिका से, और भी कई देशों से ले जाने के बाद, अफ्रीका के कई देशों से ले जाने के बाद, पैसा ये इंग्लैंड में पैसे की जो पूंजी थी, पूंजी की पर्याप्तता हो गई, ठीक है। अब
और क्या कौन कौन सी परिस्थितियां थी कि जैसे कृषि में क्या था कि जैसे कृषि क्रांति हुई और छोटे छोटे जो कृषक थे वो स्वतंत्र होते गए, तो जब छोटे कृषक स्वतंत्र होते गए तो हुआ क्या, वहाँ पर श्रम सस्ता हो गया, वहाँ श्रमिक भी कार्य करने लगे और अपना रोजगार ढूंढने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उनको दो चीज़ें मिली, देखिए पूंजी मिली, आपकी पूंजी मिली और आपका क्या मिला, श्रम मिला, तो दो चीज़ें इनको प्राप्त हो चुकी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, टेक्नोलॉजी मिली इनको, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा हुई। वास्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दे सकते हैं कि जैसे वास्प इंजन है, फ्लाइंग शटल है और सूत काटने का जो यंत्र होता है इसकी भी प्रगति वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हुई, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का विकास हुआ कि जैसे यहाँ पर बड़े बड़े जो मशीनें हैं जो उत्पादन में सहायक थी, तो बड़ी बड़ी मशीनें और कल कारखानों के लिए जो महंगी महंगी मशीनें उनका विकास होने लगा। सूत कांडे की मशीन का ये जो यंत्र था उसका विकास हुआ। और क्या परिस्थितियाँ थीं कि जैसे वहाँ पर लोहा, कोयला और अन्य संसाधन जो प्राकृतिक संसाधन थे तो उनकी उपलब्धता भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई। और जो इंग्लैंड का एक राजनीतिक वातावरण था तो वह भी बिल्कुल औद्योगिक क्रांति के अनुरूप था। और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी कि जैसे जो इंग्लैंड है तो इंग्लैंड की स्थिति जो सीमा है, इसकी तटीय सीमा है, तो तटीय सीमा समुंदर से मिलती है, सी से मिलती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, परिवहन वहाँ पर जो बंदरगाह थे उनका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता था परिवहन में, ठीक है। और सरल तरीके से, मतलब जो परिवहन था वो बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया, इजी हो गया। अगर आपको माल बना के किसी जगह पे भेजना है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। अब जो क्रांति थी, क्रांति में इन सभी चीज़ों ने, देखिए एक चीज़ कोई कभी भी एक जो घटना होती है घटित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो यहाँ पर सारे समीकरण इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति होने हुई थी तो उसको उसके पक्ष में घटित हुए, और इसने क्या किया, औद्योगिक क्रांति वहाँ पर घटित हुई। अब जैसे आपने देखिए, आपको लिखना कितने हैं वर्ड में, 250 वर्डों में लिखना है, तो आपने आधे जैसे 125 वर्ड में आपने लिख दिया आपने पहले पार्ट के बारे में कि क्यों घटित हुई थी। सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि वहाँ के समाज और लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, उनके लोगों के जीवन गुणवत्ता में किस तरीके का प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव पड़ा या निगेटिव पड़ा, क्या हुआ। तो इन चीज़ों को आप लोगों को सेकंड पार्ट में 100 वर्ड में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जितनी मात्रा में पूछा गया है, उसका आप लोगों को जवाब देना है। तो जो इंग्लैंड का समाज था, तो इंग्लैंड देश में परिवर्तन, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसके परिवर्तन के कारण, मतलब वहाँ के समाज में क्या-क्या परिवर्तन आए। तो देखिए सबसे पहली बात यही है कि वहाँ पर शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया, शहरीकरण हुआ, लोगों के आमदनी होने लगी, लोगों को पैसा आने लगा, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि हो ही रही थी, इंग्लैंड में जनसंख्या में वृद्धि भी हो रही थी और उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा, ठीक है, उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा। और जो उद्योगपति व्यापारी थे इनके साथ में जो इनके आसपास के लोग थे, वो लोग भी, जो लोग भी उद्योग लगाने में सक्षम थे, उन्होंने भी उसका जो औद्योगिक क्रांति थी उसका लाभ उठाया और एक नए पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। अब जो गरीब थे, देखिए जैसे बाहर से अमेरिका से भी जो दास बुलाए गए थे यहाँ कार्य करने के लिए, वहाँ के खुद के लोग बेरोजगार हो गए, मजदूरों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी होती चली गई। क्यों होती चली गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी की स्थिति का सामना करना पड़ा। पहले वो हाथ से काम करते थे, अब क्या है वही कार्य मशीनों के द्वारा हो रहा था, कल कारखानों में जो कारखानों के माध्यम से हो रहा था, मशीनों के माध्यम से। तो उससे क्या हुआ, मजदूरों की स्थिति और भी बुरी होती चली गई, उनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही बुरी होती चली गई, उनके पास गंदे संदे जगहों पर रहने के लिए वो विवश होने लगे, और क्या है उनको खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और बेरोजगारी की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा होने लगी, ठीक है। तो बेरोजगारों की संख्या में बहुत अत्यधिक वृद्धि होने लगी। उसका रीज़न भी था कि पहले मान लिया एक कारखाने में 10 लोग काम करते थे, ठीक है,
और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अब एक मशीन काम करने लगी आके, तो मशीन ने क्या किया, लोगों को बेरोजगार बना दिया और बेरोजगारी में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होने लगी। ठीक है, पूंजीपति जो थे, जो उद्योग और उद्योगपति और व्यापारी थे, वो तो और बढ़ते चले गए, लेकिन वहाँ के लोगों की स्थिति, जो सामाजिक स्थिति और बेरोजगारी की स्थिति और उनकी आय बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुँचती चली गई। वहाँ की महिलाओं की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुँचती गई। तो ये इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके प्रभाव पड़े, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से पड़े। ठीक है, लोगों की आय कम होती चली गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इतने पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताएं। अब क्या करना है, इस प्रश्न को आप लोगों को, जैसे जितने मैंने पॉइंट्स बताएं, कुछ आपने भी पढ़े हों तो उनको भी आप लोग अपनी तरफ से ऐड करके आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रश्न को लिखिए, और लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड कर दीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को, टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी का, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद मैं वहीं पर सारे के सारे आंसर आप लोगों को सेंड कर देता हूं, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, 300 या 300 350 प्रश्न तक प्रति माह अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, 20 दिसंबर से स्टार्ट किया गया था, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी इच्छुक हैं। ठीक है, जो भी लोग ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, उसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस है कुछ, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल में सारी चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कि जैसे आपके टॉपिक वाइज नोट्स और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर यूट्यूब पर मैं 2 क्वेश्चन की देता हूँ, तो वहाँ पर 4 क्वेश्चन की डेली ड्राफ्टिंग, डेली एक टॉपिक का आपको एक फ्लो चार्ट और चार्ट के माध्यम से आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, और उसी के बाद में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप लोगों को डेली मिल रहे हैं। ठीक है, जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है, सभी लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और वर्तमान में इस समय हम लोग 2-2 पेपरों को लेकर चलेंगे, जैसे 1st पेपर और 4th पेपर के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो जो लोग भी इच्छुक हैं बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग मेहनत करने चाहते हैं। ठीक है, जो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं वही लोग केवल इस व्हाट्सएप ग्रुप को केवल ज्वाइन करें, नहीं तो अन्यथा ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहें। ठीक है, 2-2 क्वेश्चन तो मैं डेली दे ही रहा हूँ, तो कम से कम इन्हीं को प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से लिखते रहिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जीएस का 2nd पेपर का यह क्वेश्चन है, 63वां नंबर क्वेश्चन है, और 250 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले बात, क्वेश्चन है क्या, महिलाएं जिन समस्याओं का सामना निजी और सार्वजनिक स्थलों पर कर रही हैं, ठीक है, क्या महिला आयोग ने उसका समाधान निकालने में सफल रहा है, आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तथ्य के साथ में आप लोगों को व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले बताना है महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से है, क्या क्या करनी पड़ती हैं, और उनको कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं, वो चाहे आपका सरकारी एवं निजी स्थल पर हो, या घरेलू स्तर पर हो, या किसी प्रकार, और इन सब चीज़ों में महिला आयोग की भूमिका क्या है। ठीक है, तो इसको भी बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि महिलाओं की स्थिति भारत में वर्तमान में क्या है। तो इस समय वर्तमान में दोस्तों महिलाएँ शिक्षित भी बहुत हो चुकी हैं, ठीक है, और घर से बाहर काम भी कर रही हैं, सभी प्रकार की सेवाओं में भी जा रही हैं, वो चाहे आपकी थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, या और भी बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, वो चाहे संसद हो, विधानसभा हो, स्थानीय जो लोकल बॉडीज़ होती हैं उनमें भी इनको आरक्षण प्रदान किया है, और महिलाएं सभी जगह पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। लेकिन सार्वजनिक और निजी स्थलों पर इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। तो इसी व्यवहार को सबसे पहले देखना है कि आप लोगों को, कि सरकारी एवं निजी स्थलों पर इनके साथ में क्या क्या घटित होता है, या क्या क्या इनको समस्याएं या प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर यौन उत्पीड़न की है, कि अगर जैसे मान लिया किसी ऑफिस में अगर छोटे पद पर हैं या बड़े पद पर भी हैं तो भी इनका यौन शोषण, छेड़छाड़, ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है। और वो चाहे आपका सरकारी ऑफिस हो या आपका प्राइवेट ऑफिस हो, सभी में यह समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, ऑफिसों में क्या है, ऑफिसों में जैसे मान लिया किसी ऑफिस में जिसमें महिलाओं की संख्या कम है, तो महिलाएँ फिर उस वहाँ पर उस ऑफिस में असहज महसूस करने लगती हैं,
ठीक है, जो मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया है इनको, तो वो भी पर्याप्त तो नहीं होता है, इनको और अवकाश प्रदान करने की आवश्यकता है। घरेलू हिंसा में तो दिक्कत होती ही होती है इनको। और क्या है कि जैसे जो सहकर्मी हैं, जैसे ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, तो जो 10 लोग काम कर रहे हैं उनमें से बाकी सहकर्मी जो हैं पर्याप्त सम्मान नहीं देते, उनके जो मानसिक विचार हैं वो पुरुष मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। तो ये भी बड़ी बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है वर्तमान समय में। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी जगह पर, इतनी इतनी बड़ी पोस्टों पर महिलाएं विराजमान हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर अभी पुरुष मानसिकता वाली सोच को वो लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। रूढ़िवादिता अभी भी छूट नहीं रही है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो सरकारी एवं निजी स्थलों पर महिलाओं को सामना करना पड़ता है। अब घरेलू स्तर पर क्या दिक्कतें आती हैं इनको, कि जैसे दोहरी जिम्मेदारी होती है, इनको जॉब भी करनी होती है प्लस घर की जिम्मेदारी भी उठानी होती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बच्चे को देखना है, परिवार के अन्य व्यक्ति हैं उनको भी देखना है, और अगर कोई सामाजिक झगड़ा हो गया तो उससे भी अपने आप को ठीक रखना है। बाय द वे, मान लिया पति से झगड़ा हो गया या और घर में फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं तो झगड़ा हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये समस्याएं है होती हैं। घरेलू झगड़े अगर कोई होते हैं तो वो दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो और क्या है कि जैसे संयुक्त परिवार है, कोई भी एक जॉइंट फैमिली है, उसमें सभी का ध्यान महिलाओं को ही, महिलाएँ ही क्यों आखिर ध्यान रखें, पुरुष भी तो ध्यान रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, वो चाहे पुरुष हो या आपकी स्त्री हो, कोई भी हो। ठीक है, लिंग विभेद नहीं होना चाहिए। और अब महिलाओं को इतना सारी दिक्कतों का सामना, वो चाहे घरेलू स्तर पर हो या सरकारी एवं निजी स्तर पर हो, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसके बावजूद भी वो दोनों जगह, चाहे घर हो या जॉब में हो, दोनों जगह अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में अपना पूरा कार्य का निर्वहन करती रहती हैं। ठीक है, अब लास्ट में आप लोगों को क्या बताना है कि महिला आयोग की भूमिका पर आपको बताना है। ठीक है, महिला आयोग की भूमिका किस तरीके से निभाई गई है, महिला आयोग द्वारा जो महिलाओं की समस्याएं हैं उसका निदान किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो इसमें महिला आयोग की भूमिका को अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे देखिए, कोई अगर महिलाओं को समस्या आती है तो शिकायत कर सकती हैं जाके महिला आयोग में, और वहाँ से निवारण भी किया जाता है उनकी समस्याओं का। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें है क्या कि जैसे अभी हाल ही में विशाखा मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए थे, और जो निर्भया कांड था उसके लिए JS वर्मा समिति भी बनी थी, उसने भी बहुत सारी सिफारिशें दी थी, तो इनको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो स्त्रियों की सम्मान है उसकी रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई है, और शिकायतों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। जो महिला आयोग है इसकी कहीं ना कहीं कुछ कमी भी नज़र आती है, कि जैसे जो राज्य, जैसे इसके पास कोई शिकायत जाती है तो ये क्या करते हैं, ये फॉरवर्ड कर देते हैं राज्य सरकार के आयोगों के पास में, और बताते हैं कि आप मेरे पास ना जाके आप उनके पास जाइए, हम लोग कितना काम करें। ठीक है, तो ये समस्याएँ आ रही हैं महिला आयोग के सामने। महिला आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुत सारी चीज़ों पर संज्ञान भी लिया है, वो चाहे लिव इन का मामला हो, लिव इन रिलेशनशिप का मामला हो, या महिला अश्लील चित्रण जो किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से, तो इस चीज़ पर रोक लगाना जो संज्ञान लिया गया है वो महिला आयोग के द्वारा ही लिया गया है, और उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वो चाहे आपका विवाह पंजीकरण का मामला हो तो उसको भी इसने संज्ञान में लाया। ठीक है, तो विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए भी इसने अहम भूमिका निभाई। और चाहे बलात्कार पीड़ित जैसे कोई एक विक्टिम है, ठीक है, कोई पीड़िता है, तो उसके लिए राहत एवं पुनर्वास की भी एक कार्य करने का काम किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अगर कोई दिक्कत या किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो महिला आयोग की सदस्या लोग वहाँ पर जाती हैं और देखती हैं क्या उनके साथ घटित हुआ है, और उनको एक न्याय दिलाने की बात कही जाती है। ठीक है, और निष्कर्ष में लास्ट में आप लोगों को लिखना है कि आयोग को सख्ती से, जो महिला आयोग है, सख्ती से हर एक चीज़ों पर कार्य करना होगा, वो चाहे उनके जो सम्मान है सम्मान के लिए, या जो घरेलू हिंसा है, या जितनी भी समस्याएं उनकी हैं, हर एक चीज़ के लिए सख्ती से काम करने की आवश्यकता है, और अच्छी तरीके से महिलाओं के सम्मान की रक्षा
की जानी चाहिए। तो अच्छी तरीके से आप लोगों को यह क्वेश्चन जो दिया जा रहा है पॉइंट्स के माध्यम से, तो इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है और निष्कर्ष आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन जो लिखना है इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में लिखना था, ठीक है। प्रस्तावना में आप लोग कोटेशन भी डाला करिए, तो उससे क्या है जो आपका उत्तर होता है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसका ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। और लिखकर आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग सेंड कर दीजिए और मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।